हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और मैं वीके एंटरप्राइजेस टीएस प्रोजेक्टर होम सिनेमा इंस्टॉलेशन से हूँ। और मैं जो अभी जो रिव्यू करूँगा, ये वीवसोनिक मॉडल है, CPB 701 HD, फुल HD 1080p है। अप टू यहाँ पे आपको 4K 8K सभी वीडियो आप 8K तक सपोर्ट करेगा प्रोजेक्टर। और बेसिक है, बिल्कुल प्लेन आता है इसमें प्रोजेक्टर। एक्टिव 3D, ब्लूरे रियल 3D आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो प्राइस की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ही, ठीक है। इसमें आपको 2 ईयर वारंटी मिलती है, प्रोजेक्टर के अंदर 2 ईयर वारंटी रहेगी आपकी। और प्राइस जो है, अगर आप खाली सिंगल प्रोजेक्टर लेते हैं, सिंगल प्रोजेक्टर आपको मेरे पास 65,000 का मिल जाएगा, 65,000 का ये प्रोजेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं पूरा डिटेल भी आपको दिखाऊंगा प्रोजेक्टर पे, पूरा लैपटॉप के थ्रू, ठीक है। और यदि आप ये 2 3D ग्लास हैं इसके साथ में यदि आप मुझसे लेते हैं, तो पूरा ये 2 एक्टिव 3D ग्लास के साथ में आपको 70,000 का प्रोजेक्टर पड़ेगा। प्राइस मैंने सबसे पहले ही मेंशन कर दिया है यहाँ, ठीक है। तो अब एक्टिव 3D एक्सपीरियंस आपको वो एक्सपीरियंस होगा ना, कि आप बोलेंगे सर कि बहुत ही कम 3D थिएटर में भी वो एक्सपीरियंस होता, क्यों? अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो आप थिएटर से अच्छा प्रोजेक्टर ये होगा क्या? देखो, होता क्या है, थिएटर में हम गए, टिकट लिया, हम सीट पे बैठ गए, कोई सेटिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, अपने हिसाब से पूरी की पूरी कंट्रोल में अपने सेटिंग होती जो होती है ना, पूरी आप अपने हिसाब से, मतलब देखा जाए तो इसकी ब्राइटनेस, जब आप 3D देखेंगे ना, तो गॉगल लगाने के बाद भी आपको अंधेरा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और जब हमारे स्क्रीन पर अच्छी ब्राइटनेस दिखती है 3D गॉगल लगाने के बाद भी, क्योंकि कई प्रोजेक्टर ऐसे आते हैं जिनमें अपन 3D गॉगल लगाते हैं ना, क्योंकि मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं सर कम प्राइस में हमको प्रोजेक्टर चाहिए जो कि 3D हो। देखो, कम वाले में ये ब्राइटनेस भी कम आती है, इसलिए मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि गॉगल लगाने के बाद वो और ब्राइटनेस खत्म हो जाती है उसकी। लेकिन इसमें आपको वो चीज़ नहीं लगेगी, यकीन मानिए। मेरा ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, टोटल 200 इंच का स्क्रीन साइज है ये सामने जो है, मैं इस पे जब मूवी देखता हूँ ना, इसको रख के, और 3D जब मैंने एक्सपीरियंस किया इसमें, और तो एक नंबर एक्सपीरियंस हुआ है मुझे इसके अंदर 3D का। यहाँ तक कि मैंने थिएटर में भी 3D देखी हुई है, सब फेल हो गए इसकी पिक्चर क्वालिटी के सामने, ठीक है। क्योंकि थिएटर का भी मैं फंडा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनकी भी जैसे इनकी लेंथ होती है ना, कि भाई ये प्रोजेक्टर इतनी स्क्रीन साइज बना पाएगा, तो थिएटर में भी ऐसा ही रहता है कि वो देखो, उनको तो 2 पैसा कमाना है, थोड़ी ना आप जाके थिएटर वालों को बोलोगे कि भैया ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, ठीक है। वो आप जो एक्सपीरियंस करके आओगे, ठीक है। अब होता क्या है, वहाँ पे भी प्रोजेक्टर बनता है 40 फीट दूर चलाने के लिए, 50 फीट दूर चलाने के लिए, या 30 फीट। आपको कैसे मालूम कि वो प्रोजेक्टर आपका 30 फीट दूर लगा हुआ है, तो ये 20 फीट वाला प्रोजेक्टर है, लेकिन ये 50 फीट दूर करके वो ऑलरेडी ब्राइटनेस कम पे ही रहता है, ठीक है। वो और ज्यादा पीछे कर देते तो और ब्राइटनेस खत्म हो जाती है। कभी 3D मूवी देखने जाते हो आप, ये होता है, ये कोई नहीं बोलेगा, मेरी तो सबसे कांटेक्ट है थिएटर वालों से, तो इसलिए मुझे सब चीजें मालूम है ये, ठीक है। तो इन बातों को छोड़ते हैं, अपन रिव्यू करते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे और भी बातें मैं बोलता जाऊंगा। तो ये वीवसोनिक का मॉडल है, CPB 701 HD मॉडल है, ठीक है। प्राइस वगैरह सब बता दिया, एक्टिव 3D रियल 3D इस तरीके की बॉक्स पैकिंग में आता है। ये मैंने अनबॉक्स कर रखा है इसको टेप से, ये देख सकते हैं इस तरीके का बॉक्स रहता है ये। ओके, यहाँ अपन प्रोजेक्टर को ओपन करेंगे। बॉक्स भी काफ़ी सॉलिड रहता है ना दोस्तों, बहुत सॉलिड बॉक्स में आता है। देखिए इस तरीके की यहाँ पैकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें। ओके, ये ऐसे ही पैकिंग में रहता है। तो यहाँ साइड में देखिए हमें क्या दिख रहा है, ये देख लेते हैं अपन एक बार। ये इसकी पावर केबल दी हुई है। ओके, ये पावर केबल है। ठीक है दोस्तों, ये पावर केबल है इसकी। और मैं जो है पहले प्रोजेक्टर ही निकालता हूँ बाहर। इस तरीके की पैकिंग में आता है प्रोजेक्टर। यहाँ कुछ नहीं है, आपका ये रिमोट है, ठीक है। एक रिमोट आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है एक यूज़र मैनुअल बुक मिल जाएगी आपको। ओके, यूजर मैनुअल बुक मिल जाएगा देखने के लिए। यही एसेसरीज है इसके साथ में। ओके, और आपको इस प्रोजेक्टर में फायर टीवी स्टिक, एंड्रॉयड स्मार्ट बॉक्स या कुछ ऐसी चीज़ लगा के ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, इसे निकाल लेते हैं। पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है प्रोजेक्टर की। इसे मैं आराम से बॉक्स में रख देता हूँ, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्टर है, क्लियरिटी सुपर है, सुपर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा प्रोजेक्टर के अंदर। ये ऐसी पैकिंग में देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यारा मॉडल है इसके अंदर। ये फुल वाइट कलर में है, ये फुल वाइट कलर के अंदर है,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं टॉप में से, यहाँ देख सकते हैं वीवसोनिक की ब्रांडिंग है, यहाँ पूरे कीज़ दिए हुए हैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है, मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ, फोकस सेटिंग दिया हुआ है, आप यहाँ से फोकस भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से फोकस काम करेगा प्रोजेक्टर का। ठीक है, और ये यहाँ पे अपना की स्टोन जिसे बोलते हैं हम, यहाँ पे जूम लिखा हुआ है। ठीक है, ये की स्टोन मिल जाता अपने को। और यहाँ पे जो है फैन लगा हुआ है प्रोजेक्टर के अंदर, यहाँ से पूरी हीटिंग बाहर निकलती है इसकी। ओके, तो ये सामने से आप देख सकते हैं, यहाँ हाइट एडजस्टमेंट के लिए आपको ये स्क्रू भी एक मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे वापस टाइट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, और नीचे की साइड से आप देख सकते हैं इस तरीके का है मॉडल देखने में। ठीक है, सीलिंग माउंट करने के लिए आपको 1, 2, 3 ही ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से सीलिंग माउंट आप कर लेंगे, है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि रबर निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये यहाँ पे 3 सीलिंग माउंट के यहाँ दिए हुए हैं। ओके, इस साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है ना, स्पीकर लगा हुआ है। वॉइस इनफ है जितनी होनी चाहिए। अब धूम धड़ाका तो दोस्तों किसी में भी नहीं होगा, धूम धड़ाके के लिए आपको होम थिएटर ही खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे जो ऑडियो आउट और इन दोनों मिल जाता है आपको, यहाँ पे HDMI 1, HDMI 2 और USB लगा हुआ है। लेकिन USB से कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं प्ले कर सकते आप, है ना, ये RS232, ये कुछ PC वगैरह है कुछ कनेक्ट करने के लिए रहता है दोस्तों, ये मैंने कनेक्ट ही नहीं किया है तो इसे छोड़ देते हैं, आपको मालूम हो तो आप समझ जाएंगे। ओके, ये अपने किसी काम की है नहीं, क्योंकि होम सिनेमा के लिए ही ज़्यादातर प्रोडक्ट जाते हैं, और आजकल ऑफिस में भी HDMI के थ्रू ही वो लोग लैपटॉप कनेक्ट कर लेते हैं अपना। ओके, और यहाँ पावर केबल है तो ज़्यादा कुछ कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये चारों तरफ से मैंने प्रोजेक्टर दिखा दिया है आपको। अब इसे हम जो है यहाँ रख लेता हूँ मैं प्रोजेक्टर को। ओके, और इसे जो है मैं लैपटॉप से चला के दिखाऊंगा आपको। ओके दोस्तों, प्रोजेक्टर यहाँ सेट कर लिया है, अभी मैं इसका बॉक्स हटा लेता हूँ। और बहुत ही शानदार यहाँ मॉडल देखने के लिए मिल रहा है आपको। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसमें HDMI 1 में HDMI लगा लेता हूँ। ओके, और पावर केबल जो है मेरा ऑलरेडी लगा ही रहता है, यहाँ जो भी डेमो होते रहते हैं। ठीक है, ये लगा लिया है मैं लैपटॉप में अपना जो है HDMI लगा लेता हूँ यहाँ पे। और मैंने इसके रिमोट में भी सेल डाल ली है दोस्तों, वहां पावर स्विच चालू करना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, जब इसमें पावर आता है ना, मैंने स्विच से ऑन कर दिया है, यहाँ लाइट ब्लिंक होने लगती है। तो पावर स्विच यहाँ भी दिया हुआ है, तो हम प्रोजेक्टर को जो है ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ अभी जो इसमें एक बीपिंग की आवाज़ आई है, और ये लैपटॉप मैंने कनेक्ट कर रखा है यहाँ। ठीक है, और ये देखिए अभी छत के तरफ जा रहा है, तो मैं जो है मोबाइल को मोबाइल स्टैंड पे सेट कर देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे प्रोजेक्टर की जो है सेटिंग मिला लेता हूँ थोड़ी सी, ताकि अपना प्रोजेक्टर थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका क्या है ना, फोकस थोड़ा सा तिरछा ही भागता है इन प्रोजेक्टरों का। और DLP है, फुल डे लाइट में आप इसे यूज में ले सकते हैं। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा रेनबो तो आपको नजर आएगा ही आएगा। हम जो है इसका यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं ये स्क्रीन सेट कर लेते हैं। ओके,
इसमें की स्टोन जो है मैनुअल नहीं दिया हुआ, रिमोट से ही होगा, रिमोट से ही कर रहा हूँ मैं, देखिए ठीक है, रिमोट से ही दिया हुआ है। और ये मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले आप देख सक रहे हैं सामने, ओके। और नेटिव फुल HD 1080p है। ठीक है, और मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें रेनबो इफेक्ट किसी तरीके से चला जाए, क्योंकि रेनबो, हाँ जी ये देखिए चला गया यहाँ रिमोट, है ना। और मैं थोड़ा सा और इसका स्क्रीन नीचे करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नीचे होगा तो मैं आपको स्क्रीन साइज वगैरह दिखा पाऊँगा। ठीक है, इसका स्क्रीन जो है थोड़ा सा रोटेट, अरे यार फिर से इसका जो, हाँ अब रेनबो इफेक्ट का थोड़ा सा मेरे को लगता है इसमें, बस और कुछ नहीं, क्योंकि ब्राइटनेस काफ़ी तगड़ी रहती है। एनसाई ल्यूमिनेंस इसका दोस्तों, एनसाई ल्यूमिनेंस 3700 है। ठीक है, मैं आपको बस सीधे आप यहाँ स्पेसिफिकेशन ही दिखा रहा हूँ। अगर इसमें एक सेकंड, फिर रेनबो आ गया है, ये जरा सा हिलता डुलता है ना दोस्तों, इसमें रेनबो इफेक्ट आ ही जाता है, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत तेज रहती है। अब ठीक है, अभी हम इसको, ठीक है, तो यहाँ लैपटॉप मैंने कनेक्ट कर रखा है, फुल डे लाइट प्रोजेक्टर है, और इसकी ब्राइटनेस ही इतनी ज्यादा है कि आपके रूम में वैसे ही डे लाइट हो जाएगा, इसकी सिर्फ ब्राइटनेस से ही, बहुत तेज ब्राइटनेस है। ठीक है, एनसाई ल्यूमिनेंस ही बहुत तेज है। मेरे यहाँ थोड़ा शोर हो रहा है, इसलिए मैं डार्क रूम कर देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको पूरे रूम में मेरे ना लाइट हो रही है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो प्रोजेक्टर है, ठीक है, यहाँ देखिए पूरे रूम में उजाला, देखिए इतनी इसकी ब्राइटनेस है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपका जो आपको है पता चल सके कितना उजाला रूम के अंदर है, देखिए आप कितना उजाला है रूम के अंदर सिर्फ इसकी ब्राइटनेस की वजह से। ब्राइटनेस काफ़ी तगड़ी है प्रोजेक्टर की। मैं इसको थोड़ा सा तिरछा ही करके रखता हूँ, या कहाँ पे सेट होता है ये देख लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्वेंटिंग बाजी नहीं करनी है, नहीं तो फिर क्या रेनबो इफेक्ट आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा वीडियो देखने में। तो मैं जो है सीधे इसका स्पेसिफिकेशन डिटेल निकाल लेता हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ तुरंत रेनबो आ गया है। मैं ज़्यादा पीछे रखूँगा तो आपको फिर कुछ डिटेल दिखेगा नहीं, क्योंकि टेक्स्ट नहीं दिख पाएगा, इसी में ही आधा टाइम चला जाएगा मेरे को लग रहा है। CPV तो ये मॉडल आप यहाँ देख सकते हैं, मैं पेज जो है प्लस कर देता हूँ ताकि जूम हो जाए। देखिए मॉडल यहाँ देख सकते हैं, वी सोनिक का है प्रोजेक्टर, CPV 701 HD प्रोजेक्टर है। बाकी जो भी यहाँ लिखा हुआ है आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा ना तो ये पूरा का पूरा यहाँ रीड करना पड़ेगा। इसका स्पेसिफिकेशन है ये देख सकते हैं आप, प्रोजेक्टर बना हुआ, जो भी कीज इसमें दिया हुआ ये पूरा यहाँ शो कर रहा है ये, ओके, ये पूरा है, क्या क्या कीज आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, ओके। और जो यहाँ पे नेटिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं, 1920 1080p है, ठीक है, और DMD टाइप है इसमें, DC3 ए ब्राइटनेस एनसाई ल्यूमिनस 3700 ल्यूमिनस है ना, 3700 ल्यूमिनस। कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है अपना सुपर इकोनॉमिक मोड पे 20,000:1 का मिलेगा यहाँ पे, ओके। डिस्प्ले कलर जो है 1.07 मिलियन कलर्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। कलर्स की तो बात ही अलग है दोस्तों, DLP है तो सुपर है बिल्कुल ये तो, ओके। और यहाँ देख सकते हैं आप लाइट सोर्स जो है लैम्प है, और लाइट लाइफ जो है 6,000 घंटे नॉर्मल मोड में मिलती है, लाइट सिक्योर लाइफ पे आपको सुपर इकोनॉमिक मोड दिया हुआ है इसके अंदर, उस पर आप यदि प्रोजेक्टर को करते हैं, ठीक है, उस पर ब्राइटनेस कम हो जाएगी, आपकी आंखों में ब्राइटनेस कम लगेगी उसमें, होता ये है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए सुपर इकोनॉमिक पे ही है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे आपको जो है लाइफ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, आप मतलब 20,000 घंटे की आपको यहाँ लाइफ मिल जाएगी, ओके, 20,000 घंटे की लाइफ आपको यहाँ पे मिलेगी। और लैंप वाटेज जो है 203 वाट का है ये, ठीक है, और ये कुछ इसमें अब दिया हुआ है
ये आप देख लो और समझ लेना दोस्तों, मुझे तो खैर इतना नहीं समझ में आता, इसलिए जो मोटी मोटी डिटेल होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ रेजोल्यूशन सपोर्ट जो लिखा हुआ है, ये देखिए जो भी लिखा 480p, ये मैं 8K वीडियो तक इसमें प्ले करके देखा हुआ लैपटॉप से, और अभी नेट अच्छा होगा तो मैं प्ले हो करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो भी डिटेल है आपके सामने ही है। और प्रोजेक्टर जो है एक्टिव 3D रियल 3D प्रोजेक्टर है, ये जो प्रोजेक्टर है ना एकदम रियल 3D प्रोजेक्टर है आपका। तो ये जो भी डिटेल है मैंने आपके सामने कर दी है, आप यहाँ वीडियो पॉज करके पूरी डिटेल देख लीजिएगा। और आपको पर्सनली यदि स्पेसिफिकेशन शीट चाहिए है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ देखिए रेनबो इफेक्ट आ गया क्योंकि कैमरा मैंने पीछे सेट कर रखा है, तो मैं थोड़ा सॉरी ध्यान नहीं दे पाया उसमें, रेनबो इफेक्ट आ गया था, ठीक है। तो ये जो है पूरा डिटेल मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है, और डिटेल तो ये हो गया अपना। और अब मैं जो है इसमें रिमोट में क्या फीचर्स दिए हुए हैं वो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। रिमोट में फीचर्स तो नहीं, मैं आपको पूरा रिमोट का एक दिखा दूंगा, मैं पहले आपको इसमें ये दिखा दूँ। मेनू में हम जाते हैं तो हमें क्या क्या सेटिंग मिलता है, देखिए इस तरीके का यहाँ आपको इसका जो मेनू सेटिंग की दबाने के बाद आपको इस तरीके का ये मिल जाएगा डिस्प्ले यहाँ पे, जो भी इसमें एस्पेक्ट मोड यहाँ मिल जाएगा, ऑटो पे है, 4:3, 16:9, 16:10 और नेटिव, ठीक है। नेटिव ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ जो है ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी, की स्टोन यहाँ करेक्शन आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे की स्टोन जिन जो सेटिंग मैंने आपको दिखाई थी ये वही सेटिंग है, ओके। फिर इसके बाद लेंस शिफ्ट मिल जाता है आपको, लेंस शिफ्ट करना तो ये देखिए लेंस इसका शिफ्ट कर सकते हैं आप, थोड़ा ऊपर भाग रहा है, जैसे इसमें अपने LED प्रोजेक्टर के अंदर ये की आता है ना अपना, क्या बोलते हैं हम उसे, डिजिटल 4D की स्टोन, और अपना सॉरी दोस्तों इसमें क्या थोड़ा रेनबो इफेक्ट आ ही रहा है, मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है इसका वीडियो ऐसे बनाने में क्योंकि इसकी ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही रहती, जबकि स्मार्ट ईको मोड पे कर दिया है मैंने इसे। तो भी ये मैं एक बार इसको देखता हूँ चेयर के बीच में यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा क्योंकि वॉच करने में मुझे मज़ा नहीं आता वीडियो में, जो चीज़ होती क्लियर कट ही दिखा वही सही रहता है। ये दोस्तों बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो रेनबो जो दिख रहे हैं ना ये एक्चुअल में तो नहीं है, ओके। तो यहाँ पे अब मैं सेटिंग ही दिखा देता हूँ, यहाँ जूम सेटिंग आपको मिल जाएगा, आप इस तरीके से जो है पेज को अंदर जो इमेज है उसको इस तरीके से जूम कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन साइज आपका बड़ा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ आप छोटा कर सकते हैं स्क्रीन, वही जूम इन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, ये सेटिंग आपको मिले जाएगा 3x फास्ट इनपुट, यहाँ ये देखो दोस्तों ये मैंने यूज़ किया ही नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है ऑप्शन को। यहाँ आपको कलर मिल जाएगा, कलर सेटिंग वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये कलर सेटिंग दिया हुआ, कॉन्ट्रास्ट, कलर टेम्परेचर और एडवांस, यहाँ पे कुछ मिल जाता है आपको ये, तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करके चला सकते हैं प्रोजेक्टर को, कलर वगैरह जो भी अपने अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्मली डिस्प्ले सेटिंग दिया हुआ था ना वही दिया हुआ इसमें। और ये आप देख सकते हैं ऑटो पावर ऑन, ये मतलब वही जो प्रोजेक्टर में अपना जो रहता है ना कि अपन ने जैसे ही इधर से ऑन किया और प्रोजेक्टर डायरेक्ट चालू हो जाता सिर्फ स्विच अपना पावर स्विच से बोर्ड ऑन करने के बाद में, तो वही ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इस बार क्या हो रहा है बिल्कुल भी मतलब रेनबो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, मैं एक बार कैमरा घुमा देता हूँ करके शायद चला जाए, चला गया, ठीक नहीं जा रहा है दोस्तों, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा, और मेरे यहाँ के बच्चे खेल रहे हैं बाहर, नहीं तो मैं थोड़ी बाहर की रोशनी भी करके रखता है ना आपको। आप देख सकते हैं थोड़ा क्या शोरगुल भी हो रहा है बाहर, सुन सकते हैं, तो उसके लिए सॉरी। बाकी देखिए दोस्तों रेनबो इसका जा नहीं रहा है,
ये दोस्तों रेनबो इस साइड से मैंने बड़ी मुश्किल से सही किया, यकीन मानिए, नहीं तो बिल्कुल सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि इनकी का ब्राइटनेस और कलर वगैरह काफ़ी तगड़े रहते हैं ना, इसलिए अभी मैंने इसकी ब्राइटनेस भी जबकि एकदम नॉर्मल मोड पे कर दी है। ठीक है, स्मार्ट एनर्जी यहाँ पे, अच्छा मतलब ये ऑटो, मतलब जैसे आप प्रोजेक्टर का कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, खाली डिस्प्ले खाली पड़ा तो कितनी देर में बंद करना है आपको, ये ऑटो पावर ऑफ़ ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप कितना यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, 20 मिनट 30 मिनट तक का दिया हुआ है, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होगा यहाँ, है ना, तो ये दिया हुआ है, स्लिप टाइम दिया हुआ है, पावर सेविंग दिया हुआ है ये, ओके। तो प्रोजेक्टर अभी न्यू ही है, मैंने भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है इसका। ठीक है, स्टैंड बाय सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अब ये भी मुझे मालूम नहीं, आप देखते जाइए और आपको जो चीज़ समझ में आए आप नोट कर लेना क्या है क्या नहीं है। जो मेरा यूज़ किया हुआ ये जैसे USB पावर का है, ये तो देखिए नॉर्मल किसी के भी समझ में आ जाएगा कि हम फायर TV स्टिक चलाते हैं और उसे सप्लाई देनी है यदि हमें, तो आप यहाँ ऑन करके उसे चला सकते हैं, आप मतलब उसको पावर, USB को पावर सप्लाई दे सकते हैं आप, ओके। तो ये सेटिंग आपको यहाँ मिल जाएगा, ऑडियो सेटिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वही जो नॉर्मल एक ऑडियो सेटिंग होती है हमारी, म्यूट है क्या है, ऑडियो वॉल्यूम और ये सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। पावर ऑन ऑफ रिंग, जैसे ही मैंने प्रोजेक्टर ऑन किया था तो आपने सुना होगा एक टून सुनाई दी थी, आप चाहते हैं कि वो टून सुनाई दे, तो यहाँ ऑन है तो ऑन है, नहीं तो आप इधर से ऑफ़ कर दीजिए तो ऑफ़ हो जाएगी, है ना, इस तरीके से यहाँ ये सेटिंग मिल जाएगी आपको। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, हालाँकि वॉल्यूम तो देखिए इसमें ऊपर भी दिया ही हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम रख सकते हैं, अभी हम यहाँ हाफ वॉल्यूम कर देते हैं इसका, ओके। और ये सेटिंग भी चलिए ठीक है, ये दिखा दिया मैंने। प्रेजेंटेशन टाइमर यहाँ मिल जाएगा आपको, ये सब सेटिंग है, आप देख लीजिए और वीडियो पॉज करके आप देखते जाइएगा। वीडियो थोड़ा सा वही है कि मैंने बैक साइड में रख तो रखा, लेकिन मुझे लग रहा आपको ये बटन्स इसके सही से दिख भी नहीं रहे होंगे। पैटर्न्स दिया, ये मैंने यूज़ नहीं किया, ब्लैंक टाइमर भी यूज़ नहीं किया। ये मैसेज क्या है दोस्तों, अब मैसेज जब मोबाइल में आ रहे तो इसमें मैसेज करके करेंगे कि आप होगा कुछ मैसेज या हीटिंग वगैरह इशू का या कुछ तो देता होगा, तो यहाँ पे ये ऑन है ठीक है। और स्लैब्स स्क्रीन वीव सोनिक, मतलब ब्लू ब्लैंक, अच्छा मतलब जब अगर ये ब्लैंक जब आप इसमें कोई सोर्स नहीं देंगे तो क्या यहाँ वीव सोनिक लिखा हुआ आता है होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे वो चीज़ शो होगी। यदि आपको पूरा स्क्रीन ब्लू या ब्लैंक ही रखना है खाली बिल्कुल, तो ये शायद उस चीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है। और यहाँ पे 3D सेटिंग आपको मिल जाएगा ठीक है, 3D सेटिंग ये दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं टॉप बॉटम मतलब अप एंड डाउन 3D और साइड बाय साइड 3D यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। एक बार कैमरे को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, और ठीक है ये वही है कि देखिए आप, मैंने जैसे ही कैमरा डिस्टर्ब किया ना तो आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर तुरंत वो हो गया, अपना रेनबो इफेक्ट आ गए ठीक है। मैं वीडियो के टाइम पे थोड़ी सेटिंग करूँगा, आप यहाँ से देख लीजिए, पास से रेनबो तो एक्चुअल में है नहीं, ये बात तो आपको मालूम ही है, क्योंकि इतने कॉस्टली प्रोजेक्टर में यदि रेनबो नज़र आएगा तो किस काम का प्रोजेक्टर है। HDMI सेटिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, ये मैंने यहीं यूज़ किया हुआ, इसमें कोई सेटिंग ऐसी दी हुई है जो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं करी कभी भी ठीक है। लैंप सेटिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर, वही स्मार्ट इको मोड वगैरह है, और यहाँ पे आपने कितनी टाइम इसको चलाया हुआ वो सब आप रीसेट कर सकते हैं ये, ओके। तो ये सब रीसेट सेटिंग दिया हुआ इधर पे आपको ठीक है। और यहाँ पे जो है सेटिंग दिया हुआ, लैंग्वेज हो गया, प्रोजेक्शन सेटिंग, कौन से टाइप का आपको रोटेट करना है, स्क्रीन रोटेट का दिया हुआ है, मेनू सेटिंग दिया हुआ है यहाँ पर कि कितनी देर तक इसका जो सेटिंग बार यहाँ पे रुके आपके होम स्क्रीन पे, 15 सेकेंड है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, ज़्यादा से हाँ 15 सेकेंड लास्ट है, 15 सेकेंड ही है, मैं इसको 5 सेकेंड ही कर देता हूँ ठीक है, 5 सेकेंड भी क्योंकि बहुत होता है। और मेनू प्रेजेंटेशन का बार जैसे यहाँ पे आपका सेंटर में आ रहा है, तो आपको यदि साइड में चाहिए तो देखिए साइड में चला गया अभी है, तो इस तरीके से हो जाता है, आपको राइट साइड में चाहिए वहाँ चला जाएगा, यहाँ चाहिए आपको मतलब जिस कॉर्नर पे चाहिए आपको तो उस कॉर्नर पे भी ये आ जाएगा आपका, ओके। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, जहाँ आप चाहें वहाँ सेट कर देते हैं ठीक है। मुझे इस साइड सही लग रहा है, मैं इसको इसी साइड कर देता हूँ, बीच में नहीं आएगा ये, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई अपनी, और हाइड एटीट्यूड मोड ये तो दोस्तों मैंने नहीं यूज़ किया हुआ है, बस आप देखते जाइए और नोट करते जाइए। वैसे देखिए सेटिंग जो भी है मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इसमें से कई सेटिंग तो ऐसी है जो हम बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते हैं,
तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल जो भी है मैंने आपको दिखा दिया है। ओके, सेटिंग तो सब मैंने दिखा दी, अब मैं वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ क्योंकि सेटिंग उतना ज़्यादा, एक तो रेनबो आ रहा ना तो उतना मज़ा नहीं आ रहा मेरे को वीडियो दिखाने में, तो मैं जो है इसको थोड़ा बैक साइड में ही यहाँ सेट करता हूँ। एक बार कैमरा इस साइड घुमाया था मैंने, फिर यूँ करके धीरे से यहाँ लिया था तो ये सही हो गया था, लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो दोस्तों मैंने इसको बहुत सेट करने की कोशिश कर ली, यकीन मानिए इसका जो रेनबो है ना ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब टोटल दिखाई रहा, जबकि मैंने इसकी जो ब्राइटनेस भी है ना कम ही कर रखी है रिमोट से, स्मार्ट इको मोड पे कर रखी, जिस पे हमें लाइफ जो है ना इसकी 20,000 घंटे मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ कोने पे मैंने इसका जो है, एक सेकेंड में इसको सेंटर में ही कर दूँ क्योंकि सेटिंग आपको दिखेगी नहीं फिर, तो ये देखिए यहाँ एक सेकेंड बैक मार देता हूँ, लैम्प सेकेट जो है स्मार्ट इको मोड पे है, ये देखिए अभी जो है डायनामिक इको पे कर दिया जिस पे ब्राइटनेस ज़्यादा मिलती है हमें, ठीक है तो यहाँ ब्राइटनेस और ज़्यादा हो गई है अभी, और हम इस इको पे करेंगे थोड़ी सी कम मिलेगी, नॉर्मल पे तो बहुत तेज़ रहती है इसकी ब्राइटनेस, ये बिल्कुल नॉर्मल मोड है, इसमें थोड़ी कम हो जाएगी ये देखिए। और दोस्तों ये मोबाइल में नहीं दिख रही लाइव, तो एकदम आंखों पे झटका लग रहा है इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। और ये अपना जो है स्मार्ट इको मोड है, इस पर आपका बिल्कुल 20,000 घंटे प्रोजेक्टर लाइव देगा ये। अरे वाह, चलिए ठीक है ठीक है, अच्छा वीडियो चलाने के टाइम पर खुद ब खुद ही रेनबो हट गया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ सबसे पहले चला के, ठीक है, बस कहीं फिर से रेनबो ना आने लगे इसमें, नहीं तो मज़ा किरकिरा हो जाता दोस्तों पूरा का पूरा। ये YouTube ओपन कर लेता हूँ मैं, ईट के वीडियो मैंने सर्च करके ही रखा था यहाँ पे, ईट के वीडियोस, ईट के वीडियोस, क्लियरिटी सुपर है बिल्कुल, ये प्रोजेक्टर का वॉइस है ये। मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था ताकि कॉपीराइट क्लेम में स्ट्राइक ना आ पाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए HDMI से 4K तक वीडियो ये सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल बकायदा, ये 2160p पे चल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। क्लियरिटी सुपर है प्रोजेक्टर की और फुल डे लाइट में चल रहा है अभी, ये कोई ऐसा नहीं है कि डार्क रूम में। दोस्तों आप समझ सकते हैं यदि कैमरा मैंने घुमाया ना जरा सा भी तो कैमरे में वो हो जाएगी, मतलब रेनबो आने लगेगा। अभी तो ये तो लैम्प सेव मोड पे चला रहा हूँ मैं इसको, अभी यहाँ देखिए मैंने ब्राइटनेस जो लेवल यहाँ बढ़ा दी है, ठीक है। हम इसको सीधे क्या करते हैं नॉर्मल पे ही चलाते हैं क्योंकि मैं आपको फुल ब्राइटनेस यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, एक नंबर क्लियरिटी मिलेगी आपको यहाँ पे और ब्राइटनेस सुपर है बिल्कुल। और एक्टिव 3D रियल 3D है, मैंने ये पूरा डार्क रूम कर दिया है, ठीक है। डार्क रूम में देखिए आप पूरा, मैंने आपको उजाला में दिखाया था, काफी बड़ा स्क्रीन साइज बना हुआ है यहाँ पे, ये जो स्क्रीन साइज है 160 इंच का स्क्रीन साइज बना हुआ है लगभग। क्लियरिटी सुपर है, सुपर क्लियरिटी, सुपर एक्सपीरियंस। DLP प्रोजेक्टर है, एक्टिव 3D ViewSonic 701 HD मॉडल है, फुल HD 1080p है, अप टू 4K 8K सब सपोर्ट करेगा दोस्तों बिल्कुल। ये 4K बिल्कुल आपके सामने चला ही रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ और वीडियोस या कुछ क्लिपिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप मैंने क्लिप एक मूवी की चलाई है यहाँ पे,
बस रेनबो आ ही गया, यहाँ दिख नहीं रहा है। सुपर क्लियरिटी, सुपर एक्सपीरियंस। आप देखो इसमें अगर बात करें ना, बड़े में बड़े स्क्रीन साइज कितना बना सकते हैं आप इस प्रोजेक्टर से लगभग मान के चलिए 1000 इंच तक का स्क्रीन साइज बना सकते हैं, पर ब्राइटनेस वाला आप मान के चलिए 400 से 500 इंच तक का स्क्रीन साइज बना लेंगे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा रेनबो आ जा रहा है, तो थोड़ा क्या है ना, वीडियो क्वालिटी दिखाने में मज़ा नहीं आ पा रहा है। बाकी प्रोजेक्टर बेस्ट है, मैं आपको 3D और चला के दिखा देता हूँ इसमें। दोस्तों यहाँ पे मैंने 3D मूवी वाला जो हार्ड डिस्क है मेरा यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मूवी जो फुल HD है हमारी, तो हम पिक्सल्स भी जो है फुल HD वाला एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। मुझे लग रहा है फुल HD पे सेलेक्ट होगा ही। तो यहाँ पे हम 1920 1080p सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मैं इसमें चला के दिखाता हूँ मूवी में, आपको वही प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। अवतार 3D में कॉपीराइट नहीं आता, इसलिए मैं अवतार 3D ही आपको दिखाऊंगा यहाँ प्ले करके, ओके। तो दोस्तों ये दे आप देख सकते हैं 3D मूवी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो 3D का ऑप्शन दिया हुआ उस पर जाके ओके कर देना है। साइड बाय साइड 3D है ना, ये देखिए ये रियल 3D में हो गई है मूवी इस वक्त, ओके। ये एक्टिव 3D रियल 3D में हो गई है, और मैं आपको जो है यहाँ पे 3D में चला के भी दिखा देता हूँ। लेकिन अब 3D तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं, पर जितना पॉसिबल होगा उतना तो करके दिखाऊँगा। ये हमारा गॉगल है 3D का। अब ये रेनबो भी एक तो आ रहा है ना, तो इसमें थोड़ा सा मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ 3D में। ये देखिए दोस्तों यहाँ 3D गॉगल ऑन कर दिया मैंने, और ये 3D में अभी मूवी हो चुकी है यहाँ, ठीक है। एक्टिव 3D रियल 3D ब्लू रे 3D एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये 3D गॉगल जो है मैंने बंद कर दिया अभी यहाँ, और अभी जो है ये चालू हो रहा है, लेकिन बैटरी मेरे को लग रहा कम चार्ज हुआ है, इसलिए चार्ज नहीं हो पा ऑन नहीं हो रहा। देखिए जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है इसमें, ठीक है, पर उतना भी नहीं होता है जितना। एक नंबर 3D एक्सपीरियंस हो रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो, ओके। तो अभी ज़्यादा वीडियो को नहीं चला रहा हूँ, क्या पता अभी इसमें कॉपीराइट नहीं आता, तो फिर कॉपीराइट दे ही दे, ओके। तो आप ये डेमो जो देख रहे थे, व्यू सोनिक मॉडल है, फुल HD 1080p CPP 701 HD मॉडल है ये। इसमें आपको 4K प्रोजेक्टर भी मिल जाएगा, व्यू सोनिक का 4K प्रोजेक्टर जो है आपको मेरे पास में अभी, इसमें CPP 701 4K मॉडल जो है वो आपको मिल जाएगा मेरे पास। 1,30,000 में आपको 4K प्रोजेक्टर मिल जाएगा।
नेटिव 4K में चाहिए हो आपको, ओके। तो दोस्तों मॉडल परचेस करने के लिए और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए कॉन्टैक्ट करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक कभी भी कॉल या मैसेज आप मुझे कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और प्रोजेक्टर परचेस करने के लिए आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें मुझसे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।